अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आयशा ब्यूटी नेटलिस्ट। सबसे पहले मैं मेरे उन दोस्तों का दिल से शुक्रिया अदा करूंगी जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, जो वीडियो को डेली बेस पे देखते हैं, उस पर लाइक करते हैं और अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं। उसके बाद मैं उन दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगी जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो प्लीज़ 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 जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को देखें, लाइक करें और उस पर अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। और कमेंट्स के जरिए आप लोग मुझसे किसी भी किस्म का वीडियो के मतलब कोई सवाल कर सकते हैं, मैं आप लोगों को फौरी जो है वो उसका रिप्लाई दूंगी, उसका जवाब दूंगी और गाइडलाइंस दूंगी। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता, कोई फरमाइश करना चाहते हैं, कोई टिप पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स के जरिए मुझे बताइए। इसके अलावा आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज वीडियो को शेयर जरूर किया करें, चाहे आप अपने एक या दो दोस्तों के साथ इसको शेयर किया करें, क्योंकि इस तरह से जो लोग महंगे नुस्खे इस्तेमाल नहीं कर सकते वो इन सस्ती और आसान शॉर्ट सी टिप्स पर अमल करके फायदा उठा सकते हैं। तो अच्छी बात या अच्छी चीज किसी के साथ भी शेयर करना अच्छा काम है, आई होप आप लोग इस पर जरूर अमल करेंगे और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में जो है वो मैंने किसी की फरमाइश पर तैयार किया, मेरे फ्रेंड की फरमाइश पर तैयार किया। जैसा कि सब जानते हैं कि आंखें अल्लाह ताला की बहुत बड़ी बड़ी नेमतों में से एक हैं, इनका ख्याल रखना चाहिए। और जिनकी आंखें बहुत प्यारी हैं, इनको अगर नज़र की कमजोरी की वजह से ऐनक लग जाए तो खूबसूरती ज़ायल हो जाती है। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को नज़र की कमजोरी का आसान सा इलाज बताऊंगी, जो नहायत ही आसान है और हमेशा की तरह सस्ता भी है। इसके मुसलसल इस्तेमाल से इंशाल्लाह ताला आप लोगों की लगी हुई ऐनक उतर जाएगी और आपकी नज़र जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगी, चाहे वो करीब की नज़र हो, दूर की नज़र हो, या आपको कंप्यूटर पर ज़्यादा काम करने की वजह से लोगों को अक्सर धुंधला सा दिखना शुरू हो जाता है, या वो बारीक लफ्ज़ों को हिंसों को नहीं पढ़ पाते, तो ये नज़र कमज़ोर यहीं से शुरू होती है कि स्टार्ट हो जाता है, आपकी आंखें कमज़ोर हो रही हैं। तो आपको एहतियातन भी ये नुस्खा इस्तेमाल कर लेने में कोई हर्ज नहीं है, और जिनकी नज़र काफ़ी हद तक भी कमज़ोर हो चुकी है वो इस आसान और घरेलू नुस्खे के इस्तेमाल से बहुत जल्द ऐनक से छुटकारा पा सकते हैं और उनकी आई साइट बिल्कुल पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगी। तो देर नहीं करते, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। नज़र की कमज़ोरी के लिए आपको जो नुस्खा तैयार करना है उसमें आपको सिर्फ तीन चीज़ें चाहिए। आपको इस पगोल चाहिए एक चाय का चम्मच, दूध एक गिलास और चीनी हस्बे ज़रूरत। ये तीनों चीज़ें आपको घर के किचन में ही दस्तयाब होंगी। अभी आपको तरीका बताया जाएगा कि इनको इस्तेमाल कैसे करना है। रात के खाने के बाद आपने दूध का एक गिलास उबाल लेना है और जब ये नीम गर्म हो जाए तो इसमें हस्बे ज़रूरत है जितनी चीनी आप पीते हैं, ज़्यादा चीनी भी नहीं पीनी चाहिए। मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगी सिर्फ एक चाय का चम्मच चीनी एक गिलास दूध में। एक गिलास नीम गर्म दूध का जब आप लें उसमें एक चम्मच चीनी का ऐड करें और साथ ही एक चम्मच जो है वो इस पगोल मिलाकर इसको मिक्स करें और फौरन पी लें। ज़्यादा देर तक इसको मात रखें, उसका ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। जैसे ही आप उसको चम्मच के साथ टीस्पून के साथ मिक्स करें तो फौरन पी लें, नीम गर्म दूध पीने का ही ज़्यादा फ़ायदा है। और इसके बाद सो जाएं, कोशिश करें कि पानी का इस्तेमाल इसके बाद बिल्कुल ना करें और बल्कि आप अवॉइड ही करें, क्योंकि सर्दियां हैं। ये फाइनली आप तब इस्तेमाल करेंगे जब आपको लगे कि अब आपने सो जाना है, चाहे आप वो सोने से कुछ देर पहले पिएं, वैसे भी टाइम पे सो जाना चाहिए। तो पानी का इस्तेमाल इसके बाद ना करें। तो 10 दिन के मुसलसल इस्तेमाल के बाद आपने क्या करना है कि अगर आपने 10 दिन इसको इस्तेमाल कर लिया, रेगुलर यूज़ करें, इसमें कोई नागा ना करें, कोई डे मिस ना करें, 10 दिन के लिए इस पगोल वगैरह आप पहले से अरेंज कर लें अपना, और फिर आप इसको 15 से 20 दिन के लिए वक्फा दें, यानी 15 से 20 दिन इसको छोड़ दें, उसमें इस्तेमाल ना करें, सिर्फ 10 दिन रेगुलर इस्तेमाल करें और 2 से 3 हफ्ते आप इसको छोड़ दें और उसके बाद दोबारा 10 दिन के लिए इस अमल को दोहरा दें। लेकिन इंशाल्लाह आप लोगों को इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आपकी नज़र बिल्कुल ठीक हो जाए तो आप चाहें तो इसको छोड़ भी सकते हैं। अगर आप इसको इस्तेमाल करते रहें, जारी रखें, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। आपका दिमाग ताकतवर होगा, आपका हाफ़ज़ा भी अच्छा होगा, बच्चों को भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो पढ़ाई में कमज़ोर हैं, जिनकी अभी से नज़र कमज़ोर हो रही है, खुद इस्तेमाल करें, अपने बुज़ुर्गों को भी इस्तेमाल करवाएं और इन्जॉय करें, दोस्तों से शेयर करें। और आप मुझे याद रखें अपनी दुआओं में। इंशाल्लाह ताला कल इसी तरह अच्छी और नई वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। और एंड पे फिर से कहना चाहूंगी कि जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को देखें, लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें। तो कल नई वीडियो के साथ फिर से हाजिर होते हैं, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह।